हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और अपाचे एयरफ्लो की इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं डॉकर। सो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको डॉकर क्यों यूजफुल है, डॉकर आजकल ट्रेंड में क्यों है, हम लोग अपाचे एयरफ्लो की इस सीरीज में डॉकर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो डॉकर को समझने से पहले हम एक सीनारियो को समझते हैं। सीनारियो क्या है कि सपोज हमें इंडिया से फिश को ट्रांसपोर्ट करना है यूएस, तो उसके लिए क्या होगा? एक मीडियम होगा। मीडियम क्या है हमारे पास? एक सिप है। सिप में डाल के हमें यूएस को ट्रांसपोर्ट करना है फिश। सो फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सपोज हमें इंडिया से यूएस को ट्रैवल करने में सिप को 4 दिन लगते हैं, तो इस 4 दिन में अगर हम फिश को ऐसे ही भेज देंगे तो शायद ये रास्ते में सड़ जाए और सही तरीके से यूएस में पहुँच नहीं पाए। तो इस फिश के लिए कुछ डिपेंडेंसीज होगी। वो डिपेंडेंसी क्या है? सपोज हम अगर इसको एक कंटेनर में डाल के और इसमें आइस डाल के अगर भेजे और एक मतलब फिक्स टेम्परेचर पे, तो शायद ये अच्छी रहे। और ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये एक वे है। और सपोज वो सिप जा रही है और उसमें हमें एक टाइगर को भी भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ही सिप है और दोनों को भेजना है। तो अगर हम टाइगर को ऐसे ही डाल दें सिप में, तो ये सारे अगर जो भी सवार लोग होंगे सिप पे या जो भी मछलियाँ होंगी, जो भी फिश होंगे, वो सबको खा जाएगा। तो टाइगर के लिए डिपेंडेंसी क्या है? टाइगर के लिए डिपेंडेंसी है केज। तो क्या होगा कि हम फिश को और टाइगर को दोनों को आराम से सिप कर सकते हैं कहाँ? यूएस। तो हम टाइगर फिश के लिए क्या डिपेंडेंसी हो गई? आइस। एंड टाइगर के लिए क्या डिपेंडेंसी हो गई? केज। तो इन दोनों को हम एक सिप में लोड करेंगे और इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे यूएस को। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो डॉकर ही कुछ इसी तरह कैसे काम करता है और इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो जानते हैं आगे कैसे और डॉकर क्या है, क्यों यूजफुल है। तो अगर हम डॉकर के लोगों को देखें तो ये एक फिश है। फिश के ऊपर ये छोटे 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 कंटेनर्स बने हुए हैं। ये कंटेनर कुछ कंटेन करते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें कुछ अगर हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड टर्म्स में बोले तो कुछ फाइल्स हो सकती है, कुछ लाइब्रेरीज हो सकती है, कुछ डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको क्लियरिटी मिलेगी। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे एक सिस्टम में हमको 2 डिफरेंट वर्जन का पाइथन इंस्टॉल करना है। क्या हम कर सकते हैं? शायद नहीं। अगर हम चाहें तो कि हम दो एक ही सॉफ्टवेयर में मतलब एक ही सिस्टम पे दो अलग अलग सॉफ्टवेयर चला सकें, तो ये पॉसिबल शायद नहीं है। लेकिन अगर डॉकर यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है आज के डेट में, और उससे पहले भी पॉसिबल था। एक वे था, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। तो ये क्या होता है? 2 सॉफ्टवेयर है डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट वर्जन, और हम क्या कर सकते हैं इसको हम एक ही सिस्टम में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो पहले कैसे चलाते थे और डॉकर के आने के बाद कैसे चलाते हैं और क्या डिफरेंस आया दोनों में, वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व हुआ? सबसे पहले वर्चुअल मशीन्स है, जब डॉकर नहीं था तो वर्चुअल मशीन्स थे। वर्चुअल मशीन्स क्या हुआ करते थे? वर्चुअल मशीन्स जैसे आपका एक होस्ट कंप्यूटर है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है या जो भी है सिस्टम है, उसके ऊपर ये उसको हम क्या बोलते थे? होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर में आपके पास 16 GB का रैम था, मान के चलो आपके पास है 16 GB का रैम है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो उसके ऊपर हमारा एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके ऊपर सपोज आपके पास कोई सिस्टम होगा तो उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हो सकता है विंडोज 10 हो, 11 हो, या आपके पास मैक हो तो मैक ओएस हो, कुछ भी हो सकता है। तो VMs क्या करते हैं? सपोज मैं आगे चलता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि VMs होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट VMs होते हैं। तो VMs क्या होते हैं? सपोज इसको इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मतलब वर्चुअल बॉक्स बोलते हैं। वर्चुअल बॉक्स क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय ओरेकल। ये वर्चुअल बॉक्स के थ्रू प्रोवाइड किया ओरेकल के थ्रू, बाय विच यू कैन क्रिएट मल्टीपल VMs ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल VMs, लाइक देखो हमारे पास एक ही सिस्टम है, इसके अंदर मल्टीपल VMs वर्चुअल मशीन्स के इंस्टेंस मतलब चला सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। VM1 है, VM2 है, VM3 है। तो VM1 में हम लोग क्या किए हैं? विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लिया, VM2 में विंडोज 10 इंस्टॉल किए, विंडोज 3 में Ubuntu। अब आप देख रहे हैं कि एक ही कंप्यूटर के अंदर हम 3-3 ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हमारा एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब हम इजिली आराम से पाइथन 3 विंडोज 11 के अंदर, पाइथन 2 विंडोज 2 के अंदर और Ubuntu के अंदर पाइथन 3.8 इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या इशू है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कुछ स्टोरेज को कंज्यूम कर रहा होगा। सपोज ये स्टोरेज कितना है? 40 GB। हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज है, वो कितना है? 500 GB। तो उसमें से विंडोज जो 11 है आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कितना ले लिया? 40 GB। फिर विंडोज 11 ये भी कुछ लेगा, इस ये VM जो क्रिएट किया है मैंने, इसके अंदर जो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ये कितना लिया? 30 GB। विंडोज 10 कितना लिया? 25 GB। Ubuntu कितना लिया? 15 GB। अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें होता है 110 GB। मतलब क्या है कि 110 GB VM मतलब स्टोरेज हम लोग 500 GB के से यूटिलाइज कर चुके हैं। मतलब 25% हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, अराउंड 25%। अभी तक हमने दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम में, क्योंकि सब यही नहीं है ना कि आप एक कंप्यूटर खरीदे हो तो उसमें सिर्फ पाइथन ही चलाओगे। हो सकता है आपके पास आपको जरूरत है एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने का, आप और भी वीडियो देखोगे, आप मूवी डाउनलोड करोगे, बहुत सारे कुछ है। तो सपोज करो 110 GB आपकी चली गई, हमारे पास रैम भी लिमिटेड है 16 GB है, तो ये जो आपका वर्चुअल बॉक्स है हो सकता है आपका 4 GB कंज्यूम कर ले, 5 GB, तो आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। एक तो आपका स्टोरेज भी गया और सिस्टम भी स्लो हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन किया? डॉकर। डॉकर कैसे काम करता है? तो ये जो आप जैसे आपका होस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स से डॉकर भी काम करता है, लेकिन इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हैं। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे VMs के अंदर, हम लोग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग VMs को इंस्टॉल करते थे, उस VMs के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज 11 है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट डॉकर इंजन काम करता है। डॉकर इंजन क्या है? बेसिकली जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो वो डॉकर इंजन प्रोवाइड करता है। उस डॉकर इंजन के ऊपर सपोज ये देखो कंटेनर 1, डिफरेंट डिफरेंट हम कंटेनर चला सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम VM चलाते थे, यहाँ कंटेनर चला सकते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम पाइथन 3, उसके ऊपर भी कोई सॉफ्टवेयर अगर हमको इंस्टॉल करना हो तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन 2,
इसके अंदर हमको सपोज एसक्यूएल इंस्टॉल करना है तो ये भी एसक्यूएल वगैरह भी इंस्टॉल हो जाएगा ये कंटेनर के अंदर, पाइथन 3.8, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर है। तो ये डॉकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इसमें, क्या है, नो नीड ऑफ इंस्टॉलिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एकदम लाइट वेटेड है, उतना वीएम कितना मतलब हमारा स्टोरेज नहीं लेता है। बहुत ही ईजी वे में हम डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं, डॉकर इमेज को हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करते हैं। आगे मैं बताऊंगा उसको क्या प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो वो भी डॉकर के थ्रू सॉल्व हो गई है। अब देखो क्या है कि कंटेनर्स आर आइसोलेटेड, दैट मींस दे आर लाइक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कंटेनर है ये आइसोलेटेड है, मतलब ये जो हर एक कंटेनर जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह बिहेव करेगा। ये अलग 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 है, मतलब आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो इसके अंदर ये चलेगा, ये कंटेनर टू के अंदर चलेगा, ये कंटेनर थ्री, आप मल्टीपल कंटेनर्स आप क्रिएट कर सकते हो डॉकर इंजन के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम था, आप अगर एक डेवलपर हो तो आपको टेस्टर पे बहुत ही गुस्सा आता हो, आप इतनी मेहनत से कोड लिखे हो, कोड लिख करके आप जब सारे चीज़ को इंस्टॉल वगैरह करके आप सब सारे कोड को आप जब टेस्टर को देते हो वो क्या बोलता है, कोड नहीं चल रहा मेरे सिस्टम पे, तुम फिर से रिव्यू करो, आपकी इतनी मेहनत हुई, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपने फिर से लिया कोड, फिर से रन किया अपने सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे चला, फिर आपने टेस्टर को दिया कि मेरे सिस्टम पे चला तुम्हारे सिस्टम पे क्यों नहीं चल रहा, फिर टेस्टर ने चेक किया टेस्टर के सिस्टम पे फिर नहीं चला। तो ये प्रॉब्लम सबको आई होगी आई थिंक, तो इस प्रॉब्लम को भी डॉकर सॉल्व करता है। कैसे, देखो इसमें डॉकर बोल रहा है कि लेट मी सॉल्व दिस इशू। तो कैसे, सपोज़ आप जो भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट करो, सपोज आप कुछ कोड लिखते हो, उस कोड को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, वो सब क्या करते हो, आप लिखते हो आपके सिस्टम में वो सारी चीज़ अवेलेबल है ताकि तभी आप जाकर उस कोड को रन कर पाते हो। लेकिन बेचारे आप टेस्टर को जब वो कोड देते हो तो उसके पास ना वो लाइब्रेरीज होती है ना डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और आप अगर इंस्ट्रक्शन दे भी देते हो तो हो सकता है वर्जन मिसमैच हो, आपके सिस्टम पे 2.7 पाइथन हो उसके सिस्टम पे 3.8 इंस्टॉल हो गया हो, तो वो नहीं चलने वाला उसमें जाके। तो उसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर क्या करता है, डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग। डॉकर इमेज के अंदर क्या लिखते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सपोज हमें पाइथन 3.8 वर्जन इंस्टॉल करना है, कहाँ से करना है, डॉकर हब से। डॉकर हब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, वहाँ से पुल करके लेते हैं डॉकर हब से ये इमेज मेरे अंदर डॉकर इमेज के अंदर उस सॉफ्टवेयर को पुल करके, इस तरह से सर्टन इंस्ट्रक्शन हम देते हैं डॉकर इमेज के अंदर। और वो जब हमारा मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीट डॉकर इमेज को ही हम ट्रांसफर कर देते हैं किसको, टेस्टर को, या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। वहाँ जाके जब वो क्या करेगा, सिर्फ उसको जो टेस्टर का काम क्या है, उस डॉकर इमेज को रन करना। जैसे ही वो डॉकर इमेज को रन करता है एक कंटेनर जनरेट होता है, कंटेनर जनरेट जैसे ही हुआ तो वो जैसे ही आपका कोड आपके सिस्टम पे चल रहा हो सेम वे में उसके सिस्टम पे भी चलना शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये डॉकर ने सॉल्व कर दी। और अगर हम 10 साल पीछे जाएँ, हाँ 10 साल फ्लैशबैक में जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते थे, सीडी यूज़ करते थे, सीडी को अपने लैपटॉप में इंसर्ट करते थे या सीपीयू में इंसर्ट करते थे, उसके बाद इंस्टॉल करते थे, तो वो क्या बन जाता था, एक रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता था। सेम वे में जैसे ही डॉकर इमेज को हम लिखते हैं, डॉकर इमेज के अंदर क्या होती है, फाइल्स होती है आपकी, लाइब्रेरीज होती है, और जैसे ही उसको रन करते हैं क्या बन जाता है, वो कंटेनर, मैंने आपको ये बता दिया हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं अपने सिस्टम पे और इंस्टॉल। सो हम यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल, तो हम लोग यहाँ जाएंगे। देखो आपके पास, मेरे पास तो मैक ओएस है, आपके पास जो भी सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। यहाँ से सपोज़ मेरे पास मैक है तो मैं डॉकर डेस्कटॉप ऑन मैक करूँगा, मेरे पास एप्पल चिप है तो मैं डॉकर डेस्कटॉप पर मैक करूँगा, यहाँ से मेरा इंस्टॉल होना चालू हो गया। सिंस मैं ये मेरे सिस्टम में चल रहा है पहले से ही है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको रोक देता हूँ। आप इंस्टॉल कर लेना इसे अपने सिस्टम पे, आपके पास जो भी हो, विंडोज़ मैक उबंटू जो भी सिस्टम हो आप इंस्टॉल कर लेना, सेम सब में सेम तरीका। उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आपसे कुछ परमिशंस मांगेंगे वो, तो नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल करना जानते ही सॉफ्टवेयर को, वो इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल करने के बाद आप जब डैशबोर्ड पे आओगे डॉकर के, तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो मेरे पास अभी एक कंटेनर है रन कर रहा है, ये कंटेनर देखो, जैसे मेरे पास मैंने एक इमेज लिखा था इंस्टॉल करने के लिए डॉकर अपाचे एयरफ्लो को, इसलिए मेरा ये कंटेनर रन कर रहा है। ये इमेज है मेरे पास, दो इमेज, एक पाइथन की इमेज है, एक जो ये मेरी कस्टम इमेज बनाई हुई है मैंने डॉकर इमेज, यहाँ पे ये वॉल्यूम होता है। ये मैं आगे आपको सारा चीज़ बताऊंगा कैसे वॉल्यूम बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे इमेज क्रिएट करते हैं कंटेनर। अभी आप एक बार वॉक थ्रू सिर्फ कर लो इसको, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यहाँ से आप डेव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सपोज़ अब एक चीज़ मैं आपको डॉकर हब की तरफ लेके चलता हूँ। डॉकर हब क्या होता है, डॉकर हब बेसिकली क्या, हब क्या होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे सामान को रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों, तो डॉकर हब में हम क्या रखेंगे, कुछ इमेज की लाइब्रेरी को रखेंगे। जैसे देखो सपोज़ आपको पाइथन चाहिए, पाइथन इंस्टॉल करना अभी, तो ये मुझे साइन अप करने के लिए बोल रहा है, मैं साइन इन करता हूँ इसमें, मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, आपके पास नहीं बना हुआ तो आप, हाँ ये हो गया मेरा साइन इन। और सपोज़ मैं यहाँ पाइथन सर्च करता हूँ, पाइथन 3, अब मैं देखता हूँ, देखो आप यहां देख सकते हो पाइथन आ गया है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, डॉकर पुल पाइथन, इस कमांड को कॉपी करना है, अपने डॉकर इमेज के अंदर लिख देना है, जहां भी आपको डॉकर पाइथन की जरूरत होगी वहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सेम वे में हम भी कोई अगर चाहे इमेज बना के, तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स कोलैबोरेशन टूल है फॉर कम्युनिटी डेवलपर्स, डॉकर का, डॉकर हब। यहां पे हम भी अपनी इमेज को मतलब पुश कर सकते हैं, हम भी बना के डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है ये इमेज डेवलपर के लिए तो आप डाल सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो 1 बिलियन प्लस इसका डाउनलोड है। तो फिर से चलते हैं अपने, तो आप समझ गए डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है, बस बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि मुझे फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे फिर, इसलिए मैंने नहीं किया वो। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में डॉकर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई लर्निंग डॉकर इन एयरफ्लो ट्यूटोरियल,
तो हम जानते हैं कि वर्कफ्लो मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेशन टूल है अपाचे एयरफ्लो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ना बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी फाइल्स चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको कम से कम अपाचे एयरफ्लो यूज इंस्टॉल करने के लिए 50 से ज़्यादा कमांड को चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही पेनफुल है। अगर एक भी कमांड इधर उधर मिस हुआ तो आपका अपाचे एयरफ्लो काम नहीं करेगा। तो इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डॉकर इमेज का, एक विदाउट डॉकर इमेज के मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, एक डॉकर इमेज के साथ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग डॉकर पढ़ रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। डॉकर मैंने बता दिया आपको, डॉकर हब इज अ कोलैबोरेशन टूल एंड अ मार्केट प्लेस फॉर कम्युनिटी डेवलपर्स। इट इज अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे आप खुद का भी इमेज क्रिएट करके डाल सकते हैं। सो यही है डॉकर। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डॉकर समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपसे अगर कोई आप डॉकर के बारे में पूछ दे तो आप पक्का बता सकते हो, मुझे गारंटी है इस बात की। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।